अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे इंशाल्लाह। दोस्तों आज फिर आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं। पंजाबी में ये वीडियो है, आप लोगों को थोड़ा सा उर्दू में बता देता हूँ कि एक बाबा जी का कोई रिश्तेदार वो वफात पाने वाला था, तो अल्लाह पाक ने फरिश्ते को भेजा कि रूह कब्ज कर ले, लेकिन वो बाबा जी ने अल्लाह से हम कलाम होकर यानी कि अल्लाह से कलाम करके, मूसा वाली बात है, इन लोगों का खत्मे नबूवत से कोई लेना देना नहीं है, तो बाबा जी ने अल्लाह से कमिटमेंट करके अल्लाह की कमिटमेंट चेंज करवा दी और वो बंदे की जो रूह थी जो फरिश्ता कब्ज करने आया था उसको उस बाबा जी ने वापस भेज दिया कि मेरी अल्लाह से कमिटमेंट हो गई है, मेरी अल्लाह से अल्लाह ताला से बात हो गई है, अब अल्लाह ताला ने ये हुक्म मंसूख कर दिया, अब तुम ये रूह नहीं लेके जा सकते, जाकर अल्लाह से दोबारा बात करो, मेरी अल्लाह से हम कलामी हो गई है। यानी कि इन लोगों का खत्मे नबूवत से कोई काम नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, और फरिश्ते ने अल्लाह का हुक्म नहीं माना, फरिश्ता वापस चला गया और फरिश्ते ने रूह कब्ज नहीं की, फरिश्ते ने बाबा जी की मान ली। इन लोगों को पता नहीं किस किस्म की यार ये स्टोरी बताता कौन है, इन लोगों का किस किस्म का जहन है, भूसा भरा हुआ है, पता नहीं दिमाग है या नहीं इन लोगों में, अल्लाह ताला का हुक्म फरिश्ते हुक्म नहीं बजा ला रहे, पता नहीं यार समझ से बाहर है। और वो बंदा 30 साल तक जिया और ये वाक्या आला हजरत की किताब में लिखा हुआ है, कोई बरेलवी मौलवी भाई देख रहा हो तो काइंडली इस बात का हवाला दे देना कि यार वाकई ये हमारे आला हजरत ने लिखा हुआ और ये हक सच लिखा हुआ है। तो मेरे भाई अगर ये हक सच है तो आप लोगों का खत्मे नबूवत से कोई लेना देना नहीं, जैसे कादियानी ने डाके मारे आलल ऐलान करके आप लोगों ने खुफिया तौर पर मारे। बाकी आप लोग वीडियो देखें। अब देखें खत्मे नबूवत पे ये लोग कैसे डाका डालते हैं। शुक्र है मेहरबानी फरमाई ने, लेकिन देता नहीं तो सानू बयान करा तो साडी तो भूख नहीं ओही वजनी सी, तो तू किथों यार भी दियो कि यार मेरे तो जमन तो कुछ बला में आला है बरेलवी दा। सुभान अल्लाह, लेकिन मेहरबानी फरमाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, एक जणा है जिदा नाम है शेर मोहम्मद शरफीनी, सुभान अल्लाह, उस जणे दे पुत्र दा नाम है अहमद, अहमद साहब सरदार साहब हो गए बीमार, मौत दे करीब हो गए, तेरे करीब मैं बस हूं गया हूं गया हूं गया हूं गया हूं। शेर मोहम्मद शर्मीली जो है ना कोई अल्लाह पाक ने कोई गलबा की थी और इतने में मलकुल मौत आ गया। मलकुल मौत ने क्या जनाब, शेर मोहम्मद शर्मीनी ने मलकुल मौत नो आया तीन दिन आखिर दी मुंडे की रूह कब्ज क्यों आया, ऐ तो अजी उधर करो मुंडे अजी ने तो जो उधर की थी ऐ गल निकल गई तो क्या समझ आना है, खून ना गया इसराइल नो खून ना गया यार जे इतिला रब दे चल ना सिया मुड़ जा तशरीफ ले जा चला जा जाके रब ने मुलाकात कर जिल्द नंबर 28 फतावाए रिजविया की आला बरेलवी रजी अल्लाह ताला अनु सुभान हम किसी तरह नहीं हो गड्डी भी मौजूद है बाद में किसी भी नहीं हो तो सुना व्हाट्सएप पे उन तस्वीर भी भेज सकते क्या बात है साल हुक्म मंसूख होने तो बाद कितने साल 30 साल
तो मेरे भाई अगर ये हक सच है तो आप लोगों का खत्मे नबूवत से कोई लेना देना नहीं। जैसे कादियानी ने डाके मारे आलल ऐलान करके आप लोगों ने खुफिया तौर पे मारे। बाकी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको हदायत नसीब फरमाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल करने की हिम्मत ताकत और तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।